जैसे ये कुछ छोटे जानवर होते हैं जैसे चूहा वगैरह या फिर ऐसे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन हमको उससे डर लगता है और कभी कभार गंदगी भी फैलाते हैं घर में। तो क्या ऐसे जानवरों को मार सकते हैं? यानी मारेंगे तो क्या क्या गुनाह मिलेगा, नहीं मिलेगा? जैसे देखिए, चूहा जो है, चूहे को तो वैसे भी मारने का हुक्म आया है, क्योंकि चूहा फवासिक में है, खमसुम मिनल फवासिक एक हदीस है, तो उसी में से चूहा भी है, अल्फारा। क्योंकि चूहा कई तरह से नुकसान पहुंचाता है, जो कि शुराह हदीस ने लिखा है, कभी कोई आग वाली चीज वो इधर उधर कर देगा, आग लग सकती है, या कई तरह के नुकसान घर में चूहा, अभी बिजली के वायर काट देता है चूहा, इस जमाने में ठीक है, आग इस्तेमाल नहीं होती है, बिजली के वायर काट देता है, तो वो नुकसानदेह जो है जानवरों में उसका शुमार होता है, उसके मारने का बाकायदा हुक्म आया है। अब इसके अलावा वो जानवर जिनका जिक्र हदीस में नहीं आया है, उनके बारे में जाबता ये है कि अगर वो मोजी है, नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, तो उसको आप कत्ल कर सकते हैं, मोजी नहीं है तो उसको कत्ल नहीं करना है। शेख, जैसे चूहा के जैसे एक और जानवर रहता है छुछुंदर वगैरह, जो घर में कुछ काटता वगैरह नहीं लेकिन घूमता है, और वो भी काले रंग का होता है, तो उसको भी मार सकते हैं? नहीं, वो भी तकरीबन चूहे के जैसा ही नुकसान, जो नुकसान चूहे पहुंचाता है, वो नुकसान वो भी पहुंचा सकता है, उसको भी मार सकते हैं, बल्कि मैंने तो सुना है कि वो काटता भी है, वल्लाह जी, वालम। काटता भी है शेख। जी जी सर, बिल्कुल मार सकते जी हैं। शेख। ठीक है, जजाकल्लाह। और जो नुकसान नहीं पहुंचाते उनको नहीं मारना चाहिए? हाँ, उनको नहीं मारना चाहिए, जो जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते उनको नहीं मारना चाहिए।